और देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक धनबाद जिले के शहरी क्षेत्र को हरा भरा धनबाद के रूप में बदलने की मुहिम की शुरुआत नगर निगम ने कर दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर धनबाद में रविवार से ग्रीन थंब धनबाद योजना की शुरुआत की जा रही है और इस योजना के तहत पूरे मॉनसून में शहरी क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे। वहीं उन पौधों को जियो टैग किया जाएगा ताकि उनके लोकेशन का पता चल सके और उसके आधार पर पौधे को निरंतर निगरानी की जा सके। यह है अपना धनबाद, जिसके सर पर राज्य की आर्थिक और कोयले की राजधानी होने का तमगा है, लेकिन यही तमगा इस शहर के लिए अभिशाप बन गया है। एक समय देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक धनबाद को राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम हरा भरा और सुनहरा बनाने के प्रयास में जुटा है और इसी कड़ी में धनबाद नगर निगम शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत रविवार से करने जा रहा है। इस अभियान का नाम होगा ग्रीन थंब धनबाद। शहरी क्षेत्रों में वृक्ष लगाने का एक व्यापक प्लान तैयार किया है, जो अभी उसके लिए हम लोग तैयारी चल रही है और उसको हम लोग ने ग्रीन थंब का एक नारा भी दिया है कि हरा भरा हमारा धनबाद हो, जो उससे ग्रीनरी से पहचान जाए। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने के टोकन के रूप में हम लोग अपने रिसोर्सेज से और जनता के सहयोग से, हम लोग बहुत से लोगों ने सहयोग दिया हम लोग को सभी जगहों पर जहां हमारा खाली स्पेस है, जो शहर के वनारोपण का एक प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग कराएंगे इसको। अमूमन देखा जाता है कि सरकार के वृक्ष लगाने की योजना विफल हो जाती है। इसका मूल कारण होता है पौधे लगाने के बाद उसकी निरंतर देखरेख नहीं होना, लेकिन इस बार धनबाद नगर निगम की ओर से सभी पौधों को लगाने के साथ साथ उसका जियो टैग भी किया जाएगा ताकि न सिर्फ उनके लोकेशन का पता चलते रहे बल्कि उन पर निरंतर निगरानी भी रखी जा सके। इस पर कार्य योजना भी बनाई है कि सभी पौधों का हम लोग जियो टैग करा रहे हैं और जियो टैग कराने के बाद पौधों का हमारा लोकेशन रहेगा और एक टाइम लिमिट रहेगा कि कब पौधों को हम लोग को फॉलोअप करना है। वो डाटाबेस हमारी तैयार हो रही है, डाटाबेस तो लोकेशन और पेड़ का प्रकार और पेड़ का नाम और कब हम उसको लगाए हैं और कितने दिनों के बाद उसको पुनः हमको उसकी समीक्षा करनी है, पेड़ का निरीक्षण करके उसका गुणवत्ता देखनी है कि पेड़ सही रहे, तो हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं। बहरहाल राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद धनबाद नगर निगम की ये पहल काफी सराहनीय है और इसका लाभ पूरे कोयलांचल वासियों को मिलेगा। साथ ही जियो टैग होने के बाद पौधों के मरने या खराब होने की आशंका भी नगण्य हो जाएगी, जो भविष्य में धनबाद को हरियाली से भर देगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट।